और विरासत ए खालसा इस म्यूजियम से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं ये म्यूजियम पंजाब के किस शहर में मौजूद है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विरासत ए खालसा हेरिटेज के बारे में। ये कब बनाया गया और इसको कब इनॉग्रेट किया गया? एक्चुअली में विरासत ए खालसा पंजाब के सभ्याचार को दुनिया तक पहुंचाने का एक पंजाब सरकार का एक जरिया है, जिसके जरिए पंजाब घूमने आए पर्यटक पंजाब के सिख गुरुद्वारों के बारे में वहाँ जानकारी प्राप्त कर सके। यह एक विश्व प्रसिद्ध इमारत है। पहले इसको खालसा मेमोरियल कॉम्प्लेक्स कहा जाता था, लेकिन अब इसको विरासत ए खालसा के नाम से जाना जाता है। 1998 में फाउंडेशन का निर्माण हुआ, जिसके तहत खालसा विरासत ए खालसा को बनाया गया। एक्चुअली में 1999 में खालसा की जन्मभूमि श्री आनंदपुर साहिब में खालसा की जन्म स्थिति को बनाया गया था, जिसके तहत तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने विरासत ए खालसा बनाने का निर्णय लिया और पंजाब में एक ऐसा म्यूजियम बनाने की बात हुई, जिसके जरिए लोग पंजाब के इतिहास को जान सके। और उसके बाद ये बिल्डिंग बनानी स्टार्ट हुई 1999 में, और 2011 में इस बिल्डिंग के फर्स्ट पेज को लोगों के सामने सौंपा गया और लोगों ने इस को घूमना स्टार्ट किया। दोस्तों, इस म्यूजियम में सिखों के फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी से लेकर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास को दर्शाया गया है। जो लोग सिखों के इतिहास को नहीं जानते, उनको इस विरासत ए खालसा म्यूजियम को जरूर विजिट करना चाहिए। इस म्यूजियम के एरिया की बात करें तो ये म्यूजियम तकरीबन 100 एकड़ में फैला हुआ है और इसको अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है। सिख इतिहास के 550 साल के इतिहास को अच्छी तरह से इस म्यूजियम में दर्शाया गया है। और इस म्यूजियम को बनाने में पंजाब सरकार ने 400 से 450 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है, और डेली यहां पर विजिटर की काउंटिंग करें तो यहां पर पंजाब सरकार के एक सर्वे के मुताबिक 5000 से ज़्यादा डेली विजिटर आते हैं। और अब तक 2011 से लेकर अब तक यहां तकरीबन 97 लाख विजिटर ने विजिट किया है, और ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और इस म्यूजियम में टोटल 27 गैलरीज हैं और ऊपर इसके 165 मीटर एक ब्रिज बनाया गया है, जिसको तकरीबन सब लोग ऊपर से इस एरिया को विजिट कर सकते हैं। ये म्यूजियम सुबह 10 बजे से स्टार्ट होकर 4:30 बजे तक विजिटर के लिए ओपन रहता है, और इसकी कोई कॉस्ट भी नहीं है, ये इसको आप फ्री में विजिट कर सकते हैं। चलो दोस्तों, कुछ झलकियां देखते हैं म्यूजियम की। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाया गया है कि ब्रिटिश काल में कैसे अंग्रेज भारत पर शासन करते थे, और भारत की आज़ादी के बाद पंजाब के बंटवारे की स्थिति को भी इस म्यूजियम में अच्छी तरह से दर्शाया गया है। जो भी श्रद्धालु नैना देवी विजिट करने के लिए आते हैं, तो वापस आते हुए आनंदपुर साहिब जरूर रुकते हैं और इस म्यूजियम को जरूर विजिट करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ घूमने आ सकें।